हेलो फ्रेंड, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। रोमांटिक राइटर की सीरीज़ में हम विलियम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इमोर्टैलिटी ओड, ओड टू ड्यूटी और टू मिल्टन जो है पोयम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चेक कर लें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, और आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है द सॉलिटरी रीपर। ये जो है विलियम वर्ड्स की बेस्ट नॉन लिरिक मानी जाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने इसको बैलेड की कैटेगरी में भी रखा है। बात करें अगर इसकी पब्लिकेशन की, तो ये भी जो है पब्लिश हुई थी, इनका जो पोएम्स का वॉल्यूम आया था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स 1807 में उसमें। और बात अगर कंपोजिशन की करें, तो जब ये अपने स्कॉटलैंड टूर पे जाते हैं कॉलरिज और डोरोथी के साथ, तब जो है इसको ये कंपोज करते हैं। तो ये पोएम जो है ये प्योर पीस ऑफ इमेजिनेशन है, इसका ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है। इस पोएम में 32 लाइन्स हैं, 4 स्टेंजाज हैं और 8 लाइन्स ईच। इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें अगर पोएम की, तो बेसिकली क्या है, मैं इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि ये जब इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये कहीं पे जा रहे हैं, स्कॉटलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि खेती कर रही होती है, रिपिंग कर रही होती है और गाना गा रही होती है। तो वहाँ की वो खुद की लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रही होती है, जिसको गैलिक डिक्शन भी बोला गया है। तो पोएट जो होते हैं उसको लैंग्वेज समझ नहीं आती है उसकी। तो ये बेसिकली थीम है कि ये कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने एक लड़की देखी जो कि रीपिंग का काम कर रही है, फील्ड में खेत में काम कर रही है, और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये कुछ गा रही होती है और पोएट को समझ नहीं आता है। तो इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सोलिटरी हाईलैंड लास। देखो, क्योंकि हमें समरी पता है, तो जैसे ही हम ये लाइन्स देखेंगे ना, हमें पता चल जाएगा ये कौन सी पोएम से लिया गया है। तो बिहोल्ड हर सिंगल इन दी फील्ड, की अकेली काम में, अकेली खेत में जो है ये काम कर रही है। योन सॉलिटरी हाईलैंड लास, हाईलैंड गर्ल है तो हाईलैंड लास यहाँ पे जिक्र हुआ है। नो नाइटिंगल डिड एवर चाउंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। तो ये जो गा रही होती है ये उसके लिए ये कमेंट करते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, की ऐसी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादेस्ट हेब्रिड्स, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, क्योंकि इनको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है उसकी, तो ये लाइन बोलते हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। इस पोएम के अगर सोर्स की बात करें, तो थॉमस विल्किंसन का एक वर्क था टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन, वहाँ से ये इसका सोर्स लिया गया है। अदर इम्पॉर्टेंट पोएम की बात करें तो वो है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, और इसी को ही जो है डेफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। डेफोडिल्स क्या है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर्स का नाम जो है वो डेफोडिल्स है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि डेफोडिल्स किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आपको याद रखना है। तो ये एक लिरिक है, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो 1804 में लिखा गया था, और ये भी जो है 1807 में जो इनका पोएटिक वॉल्यूम आया था पोएम्स इन टू वॉल्यूम उसमें पब्लिश हुई थी, और इसका एक रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश हुआ था 1815 में। तो जब इसको कंपोज कर रहे थे तो वो रह रहे थे अपनी वाइफ और सिस्टर के साथ, जो इनका घर होता है ग्रासमेयर में, लेक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे। कई बारी जो है वो स्पेस का भी, लोकेशन का भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो इनकी पोएम है ना डेफोडिल्स, इस पोएम में हमको वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएट्री है वो देखने को मिलती है, कि अपनी ही थ्योरी जो है इनकी पोएट्री को वो यहाँ पे फाइनली अप्लाई कर रहे हैं। ये अगर आपने, मैंने लिरिकल बैलेट करवाया हुआ है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पे थ्योरी ऑफ पोएट्री इनकी बहुत अच्छे से डिस्कस की है मैंने डिटेल में। तो ये जो पोएम है, माना जाता है कि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो होता है इंसान का, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि बहुत बेसिक थीम के ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पोएट हैं वो अकेले यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जैसे एक हमें बादल का टुकड़ा देखने को मिलता है ना आसमान में, कि वो यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। तो ऐसे पोएट वंडर्स अलोन लाइक अ पैच ऑफ क्लाउड। और फिर ये क्या करते हैं कि जब ये घूम रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, तो इनको बहुत सारे नंबर्स में डेफोडिल्स दिखते हैं। एक लेक होता है वाटर का, तो वाटर में ही इनको जो है बहुत सारे डेफोडिल्स फ्लावर देखने को मिलते हैं।
तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये इनको स्टार की तरह दिखते हैं, स्टार की तरह, तारों की तरह चमक रहे होते हैं, जैसे तारे आसमान में चमकते हैं और हल्के से हमें मिल्की मिल्की लगते हैं, वैसे इनको ये डेफोडिल्स देख करके ये स्टार की तरह लगते हैं। और जो ये देखते हैं इस वक्त, ये जो फील कर रहे होते हैं, इसको अपनी मेमोरी में ये सेव कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, और बाद में इसको जो है, ताकि याद करके वो खुश फील कर सके, प्लेजर मिल सके उनको। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें अगर, तो जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं वो हैं, 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, कि एक ही नज़र में मैंने इतने सारे जो है देख लिए, 10,000 सो आई एट अ ग्लांस। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ ह्यूसेंट कंपनी, कि मतलब पोएट जो है वो नेचर में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व है, तो वो इससे ज़्यादा खुश जो है वो हो नहीं सकता है कभी। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो यहाँ पे ये फ्लावर्स की ही बात कर रहे हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स, कि ये सब जो वो देख रहे होते हैं, तो इन सब से इनको बहुत खुशी मिलती है, और इनका जो दिल है, जो हृदय है, हार्ट है, वो प्लेजर से भर जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम की बात करें अगर, तो वो है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट और सून। ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है, कंपोज्ड हुआ था 1802 में और पब्लिश हुआ था 1807 में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। यहाँ पे क्या है, इसकी थीम्स की बात करें, तो पोएट ने ना क्रिटिसाइज़ किया है स्पिरिचुअल डिके को, कि अब की जो जनरेशन है, अब जो लोग हैं ना, उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, खो गई है, वो हमें देखने को मिलता है। कब किस टाइम की बात करी जा रही है अगर अगर बोला जाए, तो ये है कि ड्यूरिंग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें एक स्पिरिचुअल डिके देखने को मिलता है लोगों में, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लाइफ का, मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज़ किया गया है, और जो लोगों का नज़रिया है, लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है ना, कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि पैसा बहुत कमाना है और फिर उसको खर्च करना है, तो यही जो है एक हमारा एक मेन जो एम है, वही बन के रह गया है लाइफ का, कि हमको एक मशीन की तरह बस पैसे कमाते रहना है और उसको खर्च करते रहना है, और कुछ जो है एम रह ही नहीं गया है लाइफ का। उसको यहाँ पे, इस थॉट को, इस आइडिया को विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये आगे बोलते हैं कि पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू परस्यूट ऑफ मनी, नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि लोग जो हैं वो पैसे के पीछे जो है पागल हो गए हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं नेचर को, उसकी ब्यूटी को, और पैसों के लिए उन्होंने अपनी सोल को, अपने हार्ट को जो है वो उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें, तो वो ABBA CDE CDE है। पोएट ने यहाँ पे दो जो सी गॉड्स हैं उनको मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, प्रोटियस एंड ट्राइटॉन। इसकी अगर कुछ लाइंस की बात कर लें, तो वो इंपॉर्टेंट लाइन है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स, कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि पैसा हम कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, बस इसी में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, वी हैव गिवन आर हार्ट अवे अ सॉर्डिड बून, दिस सी दैट बेयर्स हर ब्लॉसम टू द मून। देखो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगी हमें, फिगर ऑफ स्पीच, दिस सी दैट बेयर्स हर ब्लॉसम टू द मून। नेक्स्ट इनकी एक पोयम आई थी, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, जो कि कंपोज हुई थी 1804 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, बस मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि ये मैरी हचिनसन के ऊपर लिखी हुई पोयम है, मैरी हचिनसन जो कि वाइफ होती हैं वर्ड्सवर्थ की। तो यहाँ पे इन्होंने इनकी ब्यूटी को और करेक्टर को ही डिस्क्राइब किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं, हर आइज़ एज द स्टार्स ऑफ ट्वाइलाइट फेयर लाइक ट्वाइलाइट्स टू हर डस्की हेयर, अ परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान टू वार्म टू कम्फर्ट एंड कमांड। नेक्स्ट इनकी एक छोटी सी और पोएम हम देख लेते हैं इस वीडियो में, वह है पील कास्टल। ये एक एलिजिक स्टैंजाज में लिखी हुई है, और इस ये जो है लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, एक पिक्चर देखी थी किसकी, एक स्टॉर्म में एक पेंटिंग बनी हुई देखी थी, सर जॉर्ज बेमेंट। ये एक पेंटिंग देखते हैं स्टॉर्म की, जो कि पेंट की जाती है सर जॉर्ज बेमेंट के द्वारा, और उसको देख करके इस पोएम को ये लिखते हैं। तो ये पोएम जो है ना, ये एक एलिजी है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर होते हैं ना, जॉन वर्ड्सवर्थ, इनकी डेथ हो जाती है शीरेप से, ये समुद्र में डूबने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके जो ब्रदर हैं उनकी डेथ कैसे होती है, तो हमको याद रखना है।
तो उसके लिए ये इन्होंने एक एलिजी लिखी है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। अ पावर इज गोन विच नथिंग कैन रिस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज माई सोल, अ फीलिंग ऑफ माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड, फेयरवेल फेयरवेल हार्ट दैट लीव्स अलोन, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न। तो आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। होप कि आपको आज की इस वीडियो में जो भी हमने पोएम्स डिस्कस करी हैं वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी और भी जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।